हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वायरलेस माइक कौन सा यूज़ करें। देखिए, अभी जो मार्केट में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है फ्रेंड। वायरलेस माइक अगर खरीदने चल जाएगा तो 3000 प्लस का ही वायरलेस माइक आएगा। और वो जो बोया का M1 माइक आता है वो गाइस मतलब अच्छा होता है, लेकिन उसको आप बाहर जाकर यूज़ नहीं कर सकते। आप ब्लॉग बना रहे हो तो उस माइक को यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट रहता है ब्लॉग बनाने के लिए वायरलेस माइक सबसे बेस्ट रहता है, और वीडियो बनाने के लिए भी मुझे लगता है वायरलेस माइक सबसे बेस्ट रहता है गाइस। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल माइक अगर खरीदने जाओगे वायरलेस नॉर्मल माइक तो कम से कम 3000 पड़ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया है जिसके थ्रू आप मतलब लगभग 850 तक में आपका काम हो जाएगा गाइस। मतलब आपको माइक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ उसके थ्रू आप गाना भी सुन सकते हो और उसी के थ्रू आप बात भी कर सकते हो। तो मैंने परचेज कर लिया है फ्रेंड, इसका नाम है पीट्रोन ईयरबड, जिसके थ्रू आप गाना भी सुन सकते हो, आप वीडियोस भी बना सकते हो उसके माइक से, और साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। तो आज इसी का हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले गाइस। ये आप देख सकते हो अभी पूरा सील पैक है, अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू हम देंगे कि ये कैसा आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पीट्रोन ईयरबड का बॉक्स कुछ ऐसा है, ये बाहर का लुक आप देख सकते हैं इस बॉक्स का। फिर इसके पीछे आप देख सकते हो, इसके पीछे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्पेसिफिकेशन। आप ये देख सकते हो, पहला है कनेक्टिविटी एडवांस वायरलेस, ट्रांसमिशन रेंज 10 मीटर का है गाइस, ड्राइवर साइज जो है। फिर उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग इनपुट DC 5 वोल्ट का। फिर यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी का बात किया जाए तो 400 mAh है गाइस, और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी ईयरबड का बात किया जाए तो 50 mAh 2 Li पॉलीमर। फिर म्यूज़िक प्ले टाइम आप देख सकते हैं, लगभग 6 घंटा तक ये चल सकता है, और इसको एज अ माइक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं गाइज। मैं उसको भी चेक करके आप लोग को दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में। ऐसा कुछ लुक है, ये आप देख सकते हैं, ये साइड का लुक है, और ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक है। अब मैं इसको ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ गाइज़ के इसके अंदर क्या है। सो अब इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो गाइज ये देख सकते हो कुछ ऐसा ये बॉक्स है, ये देख तो बहुत ही लुक, बहुत ही इसका क्लासी है गाइज। ये आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त लुक आ रहा है इसका, ये देख सकते हो। फिर ये बॉक्स है गाइज, इसके अंदर दिया हुआ है ईयरबड, ये आप देख सकते हो। इसका कलर भी बहुत ही जबरदस्त है गाइज, ये देख सकते हो, ये है मेन चीज। फिर एक और है गाइस, सो गाइस ये देख सकते हो। फिर इसके अंदर ये है केबल दिया हुआ है जिसके थ्रू चार्जिंग भी आप कर सकते हो, और ये सब बड्स दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसको बाद में आप यूज़ भी कर सकते हो, अगर बाय चांस कभी आपका ये इसके अंदर का खो गया तो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है जिसके यूज़ कर सकते हो। यही सब चीज़ है गाइस, ये इसका बॉक्स है, और इसके अंदर तो कुछ है नहीं। और ये है आपका चार्जिंग की, इसमें आप मतलब पावर बैंक की तरह है गाइस, इसको आप यहाँ से खोल सकते हो, वैसे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ये देख सकते हो खुल गया। फिर इसके अंदर इसको ऐसे सॉरी इसमें जाएगा, इसको थोड़ा सा ठेलना पड़ता है गाइस, ये देख सकते हो चला गया। फिर उसके बाद इसको भी आप ऐसे करके चार्जिंग कर सकते हो, जब आपका इसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको चार्जिंग आप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, इसको फिर थोड़ा सा खींचना पड़ेगा निकालने के लिए। फिर ये निकाल दिए, फिर इसको चालू करने के लिए आपको सिंपली गाइस ये दोनों जो बटन है इसको प्रेस कर किए हुए लॉन्ग प्रेस करके रखना है,
ये आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया। अब इसको हम ब्लूटूथ से अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका जो माइक का इनबिल्ट क्वालिटी जो है वो भी मैं आप लोग को चेक करके दिखाने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हो बॉक्स में भी इसका लिखा हुआ है माइक का इनबिल्ट क्वालिटी, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये आप देख सकते हो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो, माइक सेंसिटिविटी -42 dB ±3 dB है। सो बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी भी आएगा जब आप अपना वीडियो इसके थ्रू रिकॉर्ड करोगे गाइस। सो चलिए मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, इसका लुक मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कुछ ऐसा आता है लुक गाइस। तो अब मैं फ्रंट कैमरा से आपको इसका लुक दिखाता हूँ कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है। गाइस अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मैं इसी माइक का यूज़ कर रहा हूँ, इस ईयरबड का माइक का यूज़ कर रहा हूँ, और आप लुक भी आप देख सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक लग रहा है, ये आप देख सकते हो, देखने में बहुत ही क्लासिक लग रहा है गाइस, इसी वजह से मैंने इसको ख़रीदा। और इसका माइक का क्वालिटी भी आप साउंड भी देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा होगा, एकदम क्लियर वॉइस आ रहा होगा। और इसका जो मतलब म्यूज़िक का है, म्यूज़िक अगर आप गाना बजाओगे इसमें वो उसका भी साउंड क्वालिटी इतना मस्त है ना, इतना क्लियर आवाज़ आ रहा ना गाइस, एक बार आप सुन कर देखोगे तो आपको पता चलेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मुझे 849 लगा इसका प्राइस, लेकिन मुझे कोई भी इसका पछतावा नहीं है गाइस, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ये देख सकते हो फिर से, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। और इसका माइक का आप लोग आवाज़ भी सुन रहे हो, कितना अच्छा साउंड क्वालिटी इसका आ रहा है गाइस, आप ये देख सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये आप लोग को बहुत कम प्राइस में, अगर आप माइक ख़रीदने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा वायरलेस माइक का गाइस, और इसके थ्रू आप 3 से 4 घंटा आराम से ब्लॉगिंग भी कर सकते हो गाइस, और नॉर्मल वीडियोज़ के लिए भी इसको यूज़ आप कर सकते हो। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग अगर माइक ख़रीदना चाह रहे और माइक के साथ आपको ये भी मिल जा रहा है ईयरबड, मतलब इसके साथ आप मतलब गाना भी सुन सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो, ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, मतलब टोटल एक चीज़ में आपको बहुत सारा चीज़ मिल जा रहा है, वो भी सिर्फ 849 में। सो अगर आप लेना चाहे तो ले लो, ले सकते हो। मेरा रिव्यू तो मतलब यही कहता है कि ये 849 में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आप लोग के लिए होने वाला है, और माइक के लिए बात किया जाए तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट यही रहने वाला है गाइस। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।